नमस्कार दोस्तों, ओशन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। हर कोई चाहता है कनाडा जाएं, वर्क परमिट पे अच्छी सैलरी कमाएं, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000, सबकी इच्छाएं यही होती हैं और ये नॉर्मल बात भी है। तो आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, लोग जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, क्या प्रोसेस रहता है, LMIA क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन जो आपके थे जिनका आंसर करने की आज मैं कोशिश पूरी करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका होता है, कौन एलिजिबल होता है, कौन एलिजिबल नहीं होता है, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आजकल तो हर कोई जाना चाहता है, चाहे वो अनएजुकेटेड हो चाहे वो एजुकेटेड हो। तो इस वीडियो में लगभग आपका जो कुछ बेसिक डाउट्स होंगे वो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। और दोस्तों जो एलिजिबल नहीं है वो अगर जाना चाहता है, ठीक है, तो वो हमेशा मैंने देखा है वो फ्रॉड के चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि जो फ्रॉड लोग होते हैं वो उनका हार्ड अर्न मनी उनके लालच के चक्कर में, क्योंकि वो जो एलिजिबल नहीं है वो उसको लालच होता है, यार क्या पता ये पर्सन जो है या ये एजेंट जो है हमें भेज दे, तो मैं उसको 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख दे दूंगा तो वो भेज देगा। देखो, जो एलिजिबल नहीं है वो नहीं जा सकता है, जो एलिजिबल है वही जा सकता है। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको तरीका बताऊंगा LMIA का क्या होता है, ठीक है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। उससे पहले आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे तो उन क्वेश्चंस का जो है मैं आंसर करूँगा अभी, तो रिक्वेस्ट आपसे वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। और जो जिसका भी कोई क्वेश्चन होता है वो कमेंट जो है करें, और ये भी बताएं कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसका भी बताएं, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन लूँगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अवेयरनेस के लिए लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके और सही तरीका क्या होता है वो बताया जा सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। अभी मैंने फ़ोन में जो है सबके कमेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन और कमेंट्स रखे हैं, तो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊँगा और आपकी स्क्रीन पर भी यही आएंगे अभी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं मिस्टर शोभित शुक्ला, ये कहते हैं सर आपकी वजह से मेरे 1,00,000 रुपये बच गए, सेव हो गए, तो थैंक्स। देखिए सर, शुक्रिया आप लोगों को भी जो हमें हमारी वीडियो को देखते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसकी वजह से हज़ारों लोगों के पैसे बचते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये है कि जो जिसके पैसे बचे 1,00,000 रुपये, और मेरा क्या गया, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई, जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही बता दी उनको, इसलिए पैसे बच गए। तो ये होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद है अबुल हसन, सर एक तरह से और भी फ्रॉड करते हैं, ये लोगों से पैसा लेते हैं बोल के कि CV और डॉक्यूमेंट ऑफिशियल तरीके से बनाना होगा और तब जॉब मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक तरीका है कि सपोज आपने बाहर जाना है तो कुछ एजेंसीज जो हैं वो कॉल करती हैं और आपको अप्रोच करती हैं कि आपका जो CV सही तरीके से नहीं है, आपने जो डाला है, अगर आप पैसे डालोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप हमें 1,000, 2,000, 10,000 दीजिए, हम आपका CV ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, कंपनी आपको आराम से ले लेगी, सपने दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल CV बनाने वाले सभी फ्रॉड होते हैं, ठीक है, बट मेन बात वही आ जाती है, अगर एलिजिबल नहीं है तो चाहे CV आप जितना मर्जी अच्छा बना लें, ठीक है, जो जानकारी आपकी है, जो ट्रेड आपका है वो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे, वो बताएंगे CV में दिखाएंगे तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल जो लिखने वाला है, CV बनाने वाला है, वो बना के दे देगा और आप एलिजिबल हो जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं अभी। इसके बाद है मोहम्मद हसन शरीफ, सर कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू वर्क इन कैनेडा, हैव बीन फ्रॉडेड बाय 2 members, 30,000 का लॉस हो गया है। देखिए सर, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, अगर उन कैटेगरीज में आप आते हैं, LMIA की कैटेगरी में आते हैं, या वहाँ पे एक स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है उसकी कैटेगरी में आते हैं, तो अपना ट्रेड देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसमें सब कुछ मैंशन होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके बाद है मुकुट सिंह, सर मैं भी 19,000 से ठगा जा चुका हूँ कैनेडा के कोका कोली कंपनी के अधिकारी द्वारा।
ये भी मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे जो है कुछ फेक एजेंट्स जो है वो लोगों को सपने दिखाते हैं, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, एयरपोर्ट पे हो गया, कैनेडा इन कैनेडियन एयरपोर्ट या किसी और कंट्री के अच्छी अच्छी जगह पे जो है वो जॉब दिलाएंगे, उसके नाम पे लोग सोचते हैं 10-20-30 हज़ार दे देते हैं, क्या पता जॉब लग गई तो अच्छा है, रिस्क लेते हैं लोग भी और वो 10-20-30 हज़ार चला जाता है। और ऐसे ही फ्रॉड लोग होते हैं, एक महीने में अगर ऐसा 100 लोगों से कर ले तो उनका तो 30 लाख रुपये जो है वो बन जाएगा। तो ये फेक एजेंट्स के लिए बड़ा इजी वे बन गया है पैसे कमाने का। और फेक एजेंट्स का काम कोरोना में भी बंद नहीं हुआ है, क्यों? कि उन्होंने काम ही फेक करना है तो उनका कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, उन्होंने भेजना तो कोई है नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, मुझे लग रहा था कि शायद कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद होगा, बट नहीं, मैं देख रहा न्यूज़पेपर्स में एड्स आ रही हैं, ऑनलाइन एड्स आ रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, तो कमाल की बात है। फिर मुझे लगा नहीं, इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम बाद 8-10 महीने बाद ये वीडियो बनाई होगी मेरे हिसाब से, 6-7-8 महीने बाद। इसके बाद है राजेंद्र सिंह सर, है वन क्वेश्चन सर, आप कौन कौन सी कंट्री का वीज़ा, वर्क वीज़ा करते हो? एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखो हम जो वर्क वीज़ा करते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, या कोई हम वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, जो होता है, जो नहीं होता उससे उससे हाथ जोड़ के मना करते हैं कि सर हमारे से नहीं हो पाएगा, तो रिक्वेस्ट है आप कहीं और देख लीजिए, या फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो अभी एक और चीज़ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे कभी भी अपना मोबाइल नंबर आप कमेंट ना करिए, इसका रीज़न है बताता हूँ आपको। हमारे हज़ारों के हिसाब से कमेंट्स आते हैं तो हर कमेंट पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रॉड एजेंट्स होते हैं वो अपना कमेंट करते हैं या वहाँ से आपका नंबर उठा के आपको फेक प्रपोजल्स भेजते हैं, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस बहुत हो जाते हैं। आप कभी भी जो है अपना नंबर यूट्यूब पे मत डालिए, अगर करना है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे कर दीजिए मैसेज, या आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए मोबाइल नंबर्स पे। तो अभी वैसे भी जनवरी महीने से हमारा ऑलमोस्ट ऑफिस ओपन होने वाला है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपसे कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, तो कभी भी ऐसे मत दीजिए। क्योंकि अभी ये देखिए जी, राजेंद्र सिंह ने किया है कि कौन कौन सी कंट्री का वीज़ा लगाते हैं, तभी साथ में ही एक हैप्पी सिंह है कोई, वो कहते हैं ब्रो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन मालदोवा यूरोप देन मैसेज मी। अपना मतलब हमारी वीडियो के नीचे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना फ़ायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मिस्टर राजेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा जवाब दिया उसको, और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर वो देखेंगे तो, मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। राजेंद्र सिंह ने नॉट इंटरेस्टेड लिखा, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ फ्रॉड कर आपके साथ फ्रॉड करवाने का। हाँ, ये बहुत सही तरीके से अपनी, पर सब नहीं कर पाते, कुछ लोग कुछ एजेंट्स के चक्कर में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा बच के चलिए इन चीज़ों से। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मिस्टर टेक्निकल संजू, ओ माय गॉड, मैंने कनाडा जाने के नाम पे मेडिकल के 8500 रुपये दे रखे हैं, कहीं वो कंपनी फ्रॉड तो नहीं? देखिए ये मेडिकल के नाम पर मैंने हर वीडियो में पहले भी बताया है कि बहुत बड़ा स्कैम चलता है किसी भी कंट्री, नॉट ओनली फॉर कैनेडा, इवन आप दुबई के लिए लीजिए, मलेशिया के लिए लीजिए, सिंगापुर के लिए लीजिए, कनाडा, यूएसए, यूके, किसी भी कंट्री के नाम पे मेडिकल के नाम पे फ्रॉड हो सकता है। उसमें क्या होता है, मेडिकल सेंटर वाले से सेटिंग होती है, सपोज मैंने आपसे 10,000 रुपये मेडिकल के नाम पे लेने हैं, तो मैं डायरेक्ट नहीं लूँगा, मैं मेडिकल सेंटर वाले को बोलूँगा कि यहाँ से आप मेडिकल सेंटर जाइए, मेडिकल सेंटर वाला जो चार्ज करेगा करेगा, उसी मेडिकल सेंटर का मुझे रिपोर्ट चाहिए, वो वहाँ पे 10,000 आपसे ले लेगा, उसका कमीशन जो है वो मुझे 8-9 हज़ार दे देगा, 1-2 हज़ार उसका डॉक्टर उसका मेडिकल सेंटर वाले का होता है, तो इस तरह से फ्रॉड होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अब मेडिकल के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, अब तो काफ़ी लोगों को पता भी लगने लग गया और हमारा अवेयरनेस के बाद भी लोगों को पता चल रहा है। इसके बाद है मिस्टर अभिषेक पांडे सर, फेसबुक में जो आता है कनाडा में फ्री वर्क वीज़ा, क्या वो सही है? देखिए फ्री वर्क वीज़ा, एक जो आपके स्क्रीन पर भी फोटो चल रहा है, इस टाइप के जो आते हैं वो तो 110% फेक है, ठीक है, आपने हमारे थंबनेल पे देख लिया, यही मैंने फोटोज इसी टाइप के फोटोज लगाए हैं, ये 100% फेक होता है, तो इसके चक्कर में बिल्कुल ही मत आइए। ये आप इनका क्या मोटिव होता है, इनका मोटिव होता है कि फेसबुक पे पेज जो है उसको पॉपुलर करना, उसके बाद क्लिक्स एड्स आती हैं, इनको एड्स पे क्लिक्स आते हैं, क्लिक्स के बाद जो है इनको पैसा मिलता है, तो ये इनका मेन मोटिव होता है। हो सकता है फ्रॉड भी किसी तरह से करते हों, 1,000, 2,000, 10,000, उसका मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता। इसके बाद है मिस्टर दिनेश सोनी, आपकी क्या गारंटी है कि आप सब कुछ सही बोल रहे हैं, आप कितना गारंटेड काम करते हैं, कैसे बिलीव करें?
देखिए दिनेश जी, पहली चीज की हमने ये नहीं कहा है कि हम कोई वर्क परमिट कनाडा के वर्क परमिट कर रहे हैं, आप उसको अप्लाई कीजिए कीजिए, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये सही और गलत की तो बात नहीं रहेगी। दूसरी बात कि अगर आप ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो काइंडली आप इस इन चीज़ों में एक बार अप्लाई करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। हमारे पास तो हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है और हम आपको जो है उससे एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, बिलीव करना है या नहीं करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमारे और व्यूवर्स हैं जिनके पैसे कभी बचे हैं, तो काइंडली कमेंट जरूर करें कि वीडियो से पैसे बचे, ताकि लोगों को, दिनेश जी जैसे लोगों को थोड़ा आइडिया लगे कि ये इसी ऐसी वीडियो से लोगों को फ़ायदा होता है या नहीं होता है। इसके बाद है गणेश लाल, मुझे भी ऑफर लेटर मिला है बट कंपनी का आया है और देन दे टोल्ड मी मेडिकल का 7,000 करना है, जो फीस है जॉब चालू होने के बाद कटाएंगे। बिल्कुल ये फ्रॉड है, 110% फ्रॉड है, वो 7,000 आपसे ले लेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, उसके बाद वो मेडिकल के नाम पे आपसे लेके बाकी कुछ आगे काम नहीं होगा, ये कोई जेन्युइन सही तरीका नहीं है। इसके बाद नवीन मंडल, ग्रेट जॉब भाई जी, आपकी वजह से हमारे पैसे बच गए। एक यूके की शेल ऑयल एंड गैस कंपनी ने मुझे कंपनी ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ये सारा कुछ जो लिखा है दिया था और उनसे 30,000 रुपये मांगे थे, ठीक है, टिकट, एयर टिकट के लिए। ये भी एक तरीका है कि पहले लोगों को ऑफर्स दे दो, उसके बाद उनको बोलो कि पैसा कोई नहीं लगेगा, अब सिर्फ थोड़ी दिन वो आपसे प्रोसेस के बारे में करते रहेंगे, हाँ जी हो रहा है हो रहा है, 10-15 दिन बाद बोल देंगे हाँ जी आपका वर्क परमिट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको टिकट के पैसे देने हैं, वो आप जमा करा दीजिए, 30,000, 20,000, 50,000 जो भी है। तो लोग सोचते हैं यार अब तो लास्ट काम है, क्योंकि वो तब तक एक्साइटमेंट में आके जो वर्कर होता है वो उसने हर जगह शोर मचा दिया होता है, मैं तो यूके जा रहा हूँ, मेरा तो हो गया है फाइनल, फ्री में कुछ नहीं है। लास्ट में जब उसे 30,000, 40,000, 50,000 मांगते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाता है, अब तो मैंने बात भी फैला दी है तो ठीक है, इससे अच्छा ये कि 50,000 दे देता हूँ, देने के बाद जो है मैं चला जाऊँगा, 50,000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो इस तरह से फ्रॉड हो जाता है, फिर बाद में तो फिर चाहे जो मर्जी करते रहें, जब पैसे एक बार चले जाएंगे तो उनके नंबर सब बंद हो जाता है फेक एजेंट्स का। तो दोस्तों इसके बाद है मिस्टर विष्णु राठौर सर, मेरे साथ भी 38,700 का फ्रॉड हुआ है, मोहाली में एक कंपनी उसने किया है। तो देखो पैसे ले लेते हैं, पैसे वापस नहीं होंगे, कनाडा के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, किसी और कंट्री के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ देखो, अगर आप जेन्युइन प्रोसेस कर रहे हो, सपोज आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपने 30,000 दिया है, 20,000 दिया है, उसमें से बेसिक फीस वगैरह जा रही है, तो वो फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। फ्रॉड वो होता है कनाडा के नाम पे या वर्क परमिट के नाम पे या किसी और जो है मार्केट में है ही नहीं उस चीज़ के नाम पे आपसे पैसे ले रहे हैं और बाद में कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, वो फ्रॉड होता है। सर एक एजेंट है वो बोल रहा है, ये है मिस्टर मैक्सिन रोड्रिग्स कुछ ऐसा नाम है, सर एक एजेंट है वो बोल रहा है 40,000 पहले रजिस्ट्रेशन के लिए देना है, उसके बाद 1.5 लाख सैलरी, 1.5 लाख होगा, पर मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था तो आपको आपके वीडियो देख चुके थे तो मेरे को पता चल गया 100% श्योर फ्रॉड है, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, हमारा भी यही मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आप उसको जज कर सकें कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसके बाद आपको कभी मीन्स किसी की राय नहीं लेनी पड़ेगी। अगर हमारी वीडियोस आप सारी देख लेंगे तो आपको कभी भी राय नहीं लेनी पड़ेगी किसी की क्या सही तरीका है और क्या गलत तरीका है, तो आप खुद ही किसी भी एजेंट को बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो है गलत है। तो इसके बाद है यूसुफ खान, सर कनाडा में सेल्समैन का कितना सैलरी होता है, मुझे $3,000 बोला है, क्या ये सही है? देखिए अगर आप एलिजिबल हैं, एजुकेशन आपकी उतनी है, तो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है उसमें देखिए आपका जो ट्रेड है सपोज सेल्समैन है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आइल्स के कितना स्कोर चाहिए, एजुकेशन कितनी चाहिए, उसके बाद जो है आप खुद ही जज कर पाएंगे कि ये सही है या नहीं है। मीन्स अगर आपका जो ट्रेड है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है तो इट मीन्स कि आप एलिजिबिलिटी हो सकती है, अगर नहीं आता है तो मतलब ही नहीं है, फिर तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। अमित कुमार बहायत, सर मुझे कोई चंडीगढ़ से कॉल कर रहा है कि कनाडा में जॉब के लिए 1,00,000 सैलरी कह रहा है फ्री है और 35,000 मिलेगा मिलेगा मींस आई थिंक अमित जी ये पूरे क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पाया हूँ कि आपको 35,000 मिलेगा 1,000 सैलरी के बाद आपको 35,000 और उल्टा दे रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो आप जाइए 35,000 ले लीजिए,
ठीक है, बट आई थिंक वो किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसे निकलवा लेंगे, चाहे 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 100 रुपये, जितना भी है, किसी ना किसी तरीके, चाहे मेडिकल के नाम पे, चाहे इंश्योरेंस के नाम पे, चाहे ए टिकट के नाम पे, चाहे किसी भी चीज़ के नाम पे आपसे पैसे वो निकाल लेंगे। तो ऐसे चक्कर में ना पड़िए। इसके बाद है जो सैलरी दिखाई गई है कि 100% फेक है। देखिए जो थंबनेल में मैंने दिखाया है वो मैं खुद कह रहा हूँ वो फेक है। तो मैं आपके इस ये है रति राम जी, मैं अभी आपके से बिल्कुल सहमत हूँ, ये फेक है, इस टाइप की चीज़ें फेक होती हैं। इसके बाद है अंकित परसाला, थैंक यू फॉर सेविंग मनी। मैं अपने मेडिकल करने वाला था कनाडा वर्क परमिट के लिए। वेलकम जी, मेडिकल के नाम पे बिल्कुल फ्रॉड होता है, तो यही हमारा मोटिव था वीडियो बनाने का कि आप इस चीज़ों से बच जाएं। और अगर आपने देखना है कि फ्रॉड किस किस टाइप से होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हमारी पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि किस किस टाइप से फ्रॉड होता है। इसके बाद है वसीम अंसारी, ऑनलाइन फॉर्म भरने से कुछ तकलीफ़ तो नहीं है भाई साहब jobbank.com पे? बिल्कुल जी, कोई तकलीफ़ नहीं है jobbank.com पे, बट आपने जो लिखा है इसमें जॉब बैंक, वो फेक वेबसाइट है, jobbank.com, ये गलत है। एक्चुअल साइट है जॉब बैंक BANK, इसमें जो बैंक के स्पेलिंग है BANK है, ये जो फेक है। तो मैं ओरिजिनल वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लेना कनाडा की वेबसाइट का, ठीक है। इसके बाद है राजेंद्र कुमार पाल, सर कनाडा वर्क परमिट के लिए मुझसे $200 मांग रहे हैं, PCL कंस्ट्रक्शन कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर बता रहे हैं। सर ओपन वर्क परमिट में मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए रिक्रूटमेंट मैनेजर कोई भी डायरेक्टली आपसे, अगर उसने रिक्रूटमेंट करनी है कनाडा का डायरेक्ट है, तो आपसे पैसे नहीं मांगेगा वो, ठीक है, क्योंकि उनको अगर ज़रूरत है तो वो पैसे ऐसे नहीं मांगेगा। पहले देखो इसका प्रोसेस अलग रहता है, उसका मैं आगे बताऊंगा प्रोसेस कैसे रहेगा। उस प्रोसेस से होता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो जेन्युइन है। अगर वो पैसे $200-$300 मांग रहा है उसमें, तो मेरे हिसाब से 99% या 100% फ्रॉड है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, तो जिसका किसी का वर्क परमिट इस तरीके से हुआ होगा, तो काइंडली वो हमें सारी डिटेल भेजें, तो हम भी लोगों को दिखाएंगे कि इस तरह से वर्क परमिट होता भी है। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मुझे आप सारी डिटेल्स भेजें, मैं लोगों को और अवेयर करूँगा, नहीं इस तरह से हो भी सकता है। इसके बाद है भारत अहिर, सर मैं गुजरात से हूँ, कनाडा के नाम पे 16,000 मेरे डूब गए हैं और पंजाब का एजेंट था, न्यूज़ देख के अप्लाई किया था। सर देखिए एजेंट ऐसा नहीं, पंजाब का या कहीं का भी हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने पैसे ख़राब करने हैं आपके, वो कहीं के कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड के नाम पे, कहीं कहीं से भी हो सकते हैं, चाहे चंडीगढ़ से होंगे, चाहे दिल्ली से होंगे, चाहे किसी भी जगह से होंगे। तो बच के रहिए इन चीज़ों से, ठीक है। वीडियोस हमारे सारे देखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद है साहिल सैयद साहिल, सर मैंने भी एजेंट को 50,000 रुपये दिए हैं, उसका कहना है कि उसका भाई कनाडा में है और वो वहाँ से वीज़ा निकलवाएगा बोला है, टोटल इसमें 4.5 लाख है, 50,000 एडवांस दिया हुआ है, 3 मंथ में भेज दूंगा, अभी तक 7 महीने हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं बिल्कुल, वहाँ पे जाके कन्वर्ट भी हो जाता है बिल्कुल, बट उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है। और कोई भी टूरिस्ट वीज़ा वहाँ से नहीं भेज सकता है, वो वहाँ से कैसे भेजेगा? स्पॉन्सरशिप भेज सकता है ज़्यादा ज़्यादा। वीज़ा तो आपको यहाँ पे अप्लाई करके जो है, आपको VFS में जाके, एम्बेसी में जाके, आपको बायोमेट्रिक होंगे वहाँ पे जाके, आपका पासपोर्ट सबमिट होगा तब जाके आपको मिलेगा। ऑलरेडी आपको 7 महीने हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बाकी आजकल कोविड का टाइम है, तो वैसे भी प्रोसेस टाइम के बारे में तो कुछ कमिट कर ही नहीं सकते। इसके बाद है गौरव, मेरे साथ 13 लाख का फ्रॉड हुआ है कनाडा जॉब के लिए, कनाडा में जॉब नहीं है, वहाँ के लोगों को भी जॉब नहीं है। देखिए आप खुद सोचिए लोगों का कितना कितना फ्रॉड हुआ है, 13 लाख रुपये कनाडा के नाम पर फ्रॉड हुआ है। तो आजकल तो ऐसा हाल है कि कोई भी फेक एजेंट्स थोड़े टाइम के लिए एक ऑफिस, पर्टिकुलर कुछ 2-3-4 महीने के लिए ऑफिस ओपन करता है, लोगों से अच्छे अच्छे अमाउंट उठाता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख एक बंदे से उठाता है और करोड़ों रुपए इकट्ठे करके 2-4 महीने में वहाँ से भाग जाता है। ऑफिस इतना अच्छा बनाएगा कि लोग सोचेंगे यार इतना 5-10 लाख रुपये 15 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, कहाँ जाएगा भाग के, जबकि ये पता नहीं होता है कि 15 लाख लगा के वो 15 करोड़ रुपये इकट्ठे करके निकल जाएगा वहाँ से। तो ये शॉर्ट टर्म के धंधे बनाए हुए हैं लोगों ने।
इसके बाद हसन अली, सर 1.5 लाख का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं मुझे ड्राइवर जॉब के लिए। हसन अली जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ड्राइवर जॉब के लिए, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे या जो भी ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या तरीका रहता है, किस इसमें कैटेगरीज होती हैं, NOC होती है, ठीक है, NOC सी में आता है, डी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, आगे आपको मैं बताता हूँ, तो थोड़ा वेट कीजिए आप। इसके बाद है सुमाधुर मल्होत्रा, नाइस ऑसम ग्रेट वीडियो सर, मेरा 1.5 लाख रुपये बच गया, मेरा मेडिकल के लिए 1,25,000 लिया चंडीगढ़ चेक पॉइंट कंसल्टेंस है, वो फ्रॉड है, मेरा बच के रहना, ये देख लीजिए आप, ये इस टाइप से लोगों के पैसे बचते भी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि मैं आपको सारे आंसर दे पाऊँ एक वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं वर्क परमिट के, कि कैसे वर्क परमिट ले सकते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, और इसको पहले जो है इसको LMO कहते थे, लेबर मार्केट ओपिनियन। तो एक ESDC डिपार्टमेंट होता है कनाडा में, जिससे कि जो कि इंश्योर करता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर हायर करता है तो उसका लोकल लेबर मार्केट पे कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो पहले देखता है कि जो पहली प्रेफरेंस है वो किसी लोकल को दी जाए, अगर वो लोकल जो है उसको उस जॉब को फिल करने में कोई एम्प्लॉयर उसको सही एम्प्लॉय नहीं मिल पाता है लोकल, उसके बाद जो है वो फॉरेन वर्कर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी उसका तरीका क्या होता है, वो न्यूज़पेपर में देता है, वो जॉब्स बैंक जैसे ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं उस पर जो है अपनी रिक्वायरमेंट डालता है, तो उसको एटलीस्ट 4 वीक्स तक, मतलब 1 महीना तक जो है एटलीस्ट उसको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, उसके बाद जो है उसको अगर नहीं मिलता है तो ESDC डिपार्टमेंट उसको LMIA की अप्रूवल देता है। तो LMIA की फ़ीस कितनी होती है, तो LMIA की जो गवर्नमेंट फीस है वो 1,000 कैनेडियन डॉलर होती है, ठीक है, एक $100 और प्रोसेसिंग फीस होती है, तो टोटल 1,100 कैनेडियन डॉलर में जो है वो आपको LMIA की फ़ीस पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक ड्राइवर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आपको दिखा देता हूँ, और एक वेबसाइट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आप कोई भी जो भी आपकी कैटेगरी, सपोज सेल्समैन है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, तो वो आप देख सकते हैं उसमें कि आपकी वो कैटेगरी उसमें आती है नहीं आती है, NOC कौन सी है, NOC नंबर क्या है, ठीक है, और कैटेगरी सी में आती है, कैटेगरी डी में आती है, जैसे मैं ड्राइवर्स का आपको बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैं भी डाल रहा हूँ, तो जो ड्राइवर है वो आता है कैटेगरी सी में, और ड्राइवर भी अलग अलग, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ये सब अलग अलग होता है, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी कोरियर ड्राइवर्स, ये सब अलग होता है। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ट्रांसपोर्ट वाले, उनका 7511 जो है NOC नंबर होता है, ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है उसके लिए भी मैं अलग से लिंक देता हूँ, वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ और यही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, देखिए सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, इसके अलावा ए क्लास 3 और D लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, और अपनी अपनी कैटेगरी जो जो आपकी कैटेगरी होती है उसका आप इस लिंक के थ्रू जो है अपनी कैटेगरी चेक करके आपको बिल्कुल सारा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, कितना आपको स्कोर चाहिए, ये लिंक्स मैं दे देता हूँ कि आपकी कैटेगरी उसमें आती है नहीं आती है। अपना आप जॉब कोड निकाल लीजिए, सपोज आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का जॉब कोड निकाल के उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका एक रहता है, अगर इस हिसाब से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सही है, अगर इसके अलावा कोई और तरीका मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो LMIA का एक तरीका है, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाई, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप थोड़ा ब्रीफली उसको आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।